झारखंड के सभी नगर निगम के मजदूर एक साथ जाएंगे हड़ताल पर। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष ने सरकार को दी चेतावनी। जी हां, आपने सही सुना है, आज हजारीबाग में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन का समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन लोगों की कुछ मांगे हैं जो उचित हैं, सरकार को उसे माननी चाहिए। यदि सरकार मजदूरों का अनदेखी करती है तो बाध्य होकर झारखंड के सभी नगर निगम के मजदूर एक साथ हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने अपने संगठन पर जोर देते हुए कहा कि नगर निगम के सभी मजदूर एकजुट हैं, एक स्वर में एक साथ खड़े हैं। समीक्षात्मक बैठक में अलग अलग नगर निगम से आए पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, उन्हें अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ एवं सभी जिला अध्यक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का राज्य स्तरीय सामान्य परिषद की बैठक थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो 27 सितंबर को सरकार ने हमारे साथ लिखित समझौता 5 सूत्री मांगों पर किया था और उस पर क्या प्रगति हुई उसकी हमको समीक्षा करना था। अभी हाल में जब मुख्यमंत्री हम लोग जब मिलने के लिए गए सेक्रेटरी से कि आपने दिसंबर तक तमाम बिंदुओं पर अंतिम निर्णय करने का लिखित एग्रीमेंट किया था, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी की यहाँ फाइल चली गई है। अभी पता चला है कि मंत्री जी की यहाँ फाइल लौट करके विधि सभा में गया है। इस सारे चीजों की जानकारी हम लोगों ने दिया। आपके माध्यम से हम बता दें कि पूर्व में इस सरकार ने एक बार लिखित समझौता 10 मई 2010 में किया था कि तमाम दैनिक वेतन भोगी कर्मी को 11 तक हम नियमित कर देंगे, उस पर कैबिनेट का भी स्वीकृति हो गया था, लेकिन आज तक टालते रहा। लास्ट में जब हम लोग हड़ताल में चले गए तो फिर इस सरकार ने यह तय किया कि दिसंबर 22 तक तमाम लोगों को हम नियमित कर लेंगे। निदेशालय में नियुक्ति कमेटी की बैठक चल रही है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया कि अगर दिसंबर तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 23 साल जो 2023 का वर्ष होगा वह तमाम नगर निगम निकाय के लोगों का संघर्ष का वक्त होगा और जब तक नियमित नहीं होगा और जब तक 70% पूर्व की तरह हमारा वेतन भत्ता नगर विकास विभाग से आवंटन नहीं आएगा और 10 लाख बीमा जो तमाम मजदूरों के लिए सरकार ने एग्रीमेंट किया है कि दिसंबर तक करेंगे और पेंशन जो भी रिटायर करेंगे तमाम लोगों को 100% दिया जाएगा, इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः इस राज्य के तमाम नगर निगम निकाय, क्योंकि एक झंडे के नीचे तमाम नगर निकाय के लोग हैं, हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, पलामू तमाम नगर निगम के नेता और तमाम निकाय के नेताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार हम इतना सचेत रहेंगे कि हर हालत में मांगों की प्राप्ति तक हम आंदोलनरत रहेंगे। हम लोगों ने हजारीबाग नगर निगम में आकर यहाँ की भी कुछ कठिनाइयों को सुना। जो लोग दैनिक वेतन के रूप में मृत्यु हो जाती है या सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके आश्रित को हम लोगों ने कहा लोकल पदाधिकारी से कि मानवता के आधार पर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उनके आश्रित को आप बहाल कर लें और किसी भी परिस्थिति में रिटायर होने के बाद एक मुश्त पेंशन का लाभ भुगतान करें। अगर आप नहीं करते तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।